तो उसी साल बफर सिस्टम शुरू हो गया क्या? अच्छा, बफर सिस्टम में उसमें आगे लिखा भी रहता है कि बैल कम, जितने बैल है वो कम वो सब आ जाए। तो भूत प्रेतों ने खूब छक्कर के खाया, जितना आइटम था खूब सब आनंद से खाया, खूब नाचा खूब गाया। तो आप जरा विचार करें, भोलेनाथ इतने दयालु हुए। और सती ने कहा, बड़ा भोलेनाथ के साथ ऐसा क्या बन गया महाराज कि आप उनके ऊपर क्रोध करके उनको श्राप भी दे दिया है? इसलिए महाराज आज पूरी दुनिया कहेगी कि मेरा जन्म आज एक सुद्रोही से हुआ है। इसलिए हे प्रभु, हे पिताश्री, मैं इस शरीर को ही छोड़ देती हूं। अतस्तोत्पन्नमिदं कलेवरम् न धारयिष्ये शितकण्ठ गर्हिणः। इसलिए हे भोलेनाथ, मैं अब उस शरीर को ही रहने नहीं दूंगी तो लोग कोई हमको कुछ कहेंगे ही नहीं। और शायद या यहां से मैं जाऊंगी तो भोलेनाथ यही कहेंगे कि आइए दक्ष कुमारी, तो आपका नाम सुनकर के मुझे कितना कष्ट होगा। इसलिए मुझे आज दुख है, मुझे आज इतना कष्ट है कि मेरा ये शरीर आज एक सुद्रोही के द्वारा इसका जन्म हुआ। इतना कह करके देवी सती ने कुंड में अपने शरीर को त्याग दिया। बोलिए सती महारानी और जितने भूत प्रेत आए थे साथ में, जब उनको पता चला रही ऐसी घटना हो गई तो सारे भूत प्रेत मिलकर के जितना यज्ञ में सब सामान रखा था सब इधर का उधर सब ध्वंस कर दिया। लेकिन भृगु महाराज जी से रहा नहीं गया, उन्होंने रक्षोकर मंत्र के द्वारा समस्त भूत प्रेतों को इतना मरवाया दैत्यों के द्वारा। सारे भूत प्रेत भाग गए। और उधर विश्व के संवाददाता श्री नारद जी महाराज, जैसे आज हमारे बीच स्टार सेवन के वीरोचित माननीय श्री संतोष द्विवेदी जी और स्टार सेवन के डायरेक्टर माननीय श्री अखिलेश तिवारी जी और इनके सहायक श्री निशु द्विवेदी जी भी यहाँ पधारे हुए हैं। जिस प्रकार आज इनके माध्यम से हम लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप लोग तो यहाँ श्रवण कर रहे हैं, लेकिन स्टार सेवन के माध्यम से आज सभी भक्त न्यूज पर भी इस प्रोग्राम का लाइव प्रसारण भी सुन रहे होंगे। और जो भी इस लाइव प्रसारण को सुन रहे हैं हमारे सभी भक्त, हम सभी भक्तों को अपने इस प्याज प्यास मंत्र से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत साधुवाद। और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं, आप लोगों के जीवन में इसी तरह यही सत्संग, यही आनंद, यही खुशियाँ हमेशा बनी रहे। संवाददाता श्री नारद जी महाराज पहुंच गए भोलेनाथ के पास। नारद जी ने कहा, सरकार जय हो। बोले, आइए नारद जी, आइए, क्या हुआ? अरे बोले, क्या बताएं भोलेनाथ जी, अब हम जैसे हैं वैसे ही आप भी हो गए हैं। बोले, मतलब? अरे बोले, दक्ष इतना दुष्ट है कि देवी सती माता जी से बात करते करते ऐसा जोर का धक्का मारा, बेचारी हवन कुंड में गिर गई। संवाददाताओं की अपनी अपनी विशेषता होती है, घटना को जरा उछाल करके बताते हैं। अब घटना तो बहुत हुआ है, लेकिन लिखेंगे उसमें या बोलेंगे कि फला जगह दुर्घटना से 3 लोगों की मौत, 5 लोग घायल मरे हैं, 10 लोग और घायल तो कई लोग हैं, लेकिन उनकी विशेषता होती है। तो उसी प्रकार नारद जी ने कहा, भोलेनाथ, जैसे हम एक ही धर्म एक व्रत नेमा हम अकेले हैं, वैसे ही आप भी हो गए हैं। तुरंत
पूरी रात क्रोध आ गया और अपने जटा को उठा करके जैसे ही पृथ्वी पर फटका एक भयंकर महाराज विकराल शरीर वाला वीर दोनों हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के